नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माय सेल्फ डॉक्टर धर्मपाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर रसनासारी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो व्हाट इज कंडक्टिंग सिस्टम? कंडक्टिंग सिस्टम जो हार्ट में इम्पल्स जनरेट होता है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पूरे हार्ट में सप्लाई होता है, इसी को कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम मायोकार्डियम से बना हुआ होता है और स्पेशलाइज्ड होता है यह इनिशिएशन ऑफ एंड कंडक्शन ऑफ द कार्डिक इम्पल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइनो आर्टेरियल नोड और SNO। तो जो मेन जो इम्पल्स का जो साइट होता है जहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है वो कहलाता है साइनो आर्टेरियल नोड, या फिर उसे SNO कहते हैं। इट इज़ नोन एज द पेज मेकर ऑफ द हार्ट, इसे पेज मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। जनरली यह 70 to 100 बीट्स पर मिनट का इम्पल्स जनरेट कर सकता है और साथ में यह हार्ट बीट को भी इनिशिएट करता है। यह एक सुशेप्ट का नोड होता है। सिचुएशन देखते हैं तो यह एट्रियो केवल जंक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ द सर्कस टर्मिनलिस, सर्कस टर्मिनलिस के एट्रियो केवल जंक्शन में यह होता है। इसका इंपल्स एमी नोड से जनरेट होता है और यह एट्रियल वॉल में ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट होता है वह एवी नोड के द्वारा एट्रियल वॉल में पहुंचता है। नेक्स्ट आते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या फिर इसे एवी नोड भी कहते हैं। यह ऐसे नोड से स्मालर होता है। सिचुएशन देखते हैं इसका, यह लोअर एंड डॉर्सल पार्ट ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, मतलब कि एट्रियल सेप्टम के लोअर और डॉर्सल पोर्शन में होता है और कोरोनरी साइनस जहाँ ओपन होता है उसके जस्ट बिलो होता है। इसका जो जनरेटिंग इम्पल्स होता है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ देखें बंडल ऑफ हिज। तो मस्कुलर कनेक्शन होता है एट्रियल और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के बीच का। स्टार्ट होता है एवी नोड से, स्टार्ट होता है एवी रिंग को क्रॉस करता है और फिर यह नीचे जाता है पोस्टेरियर और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टेरियर इंफीरियर बॉर्डर में इसके मेम्ब्रेनस पार्ट, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम का मेम्ब्रेनस पार्ट है उसके पोस्टेरियर इंफीरियर बॉर्डर में यह जाता है। एट द अपर बॉर्डर ऑफ मस्कुलर पार्ट ऑफ द सेप्टम इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, फिर आगे यह राइट और लेफ्ट ब्रांच में बाइफर्केट हो जाता है। किस जगह से? अपर बॉर्डर ऑफ द मस्कुलर पार्ट ऑफ द सेप्टम से। फोर्थ देखते हैं द राइट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। बाइफर्केशन होने के बाद एक राइट का ब्रांच बनाता है और एक लेफ्ट का ब्रांच बनाता है। तो पहले राइट का ब्रांच देखते हैं। राइट ब्रांच का कोर्स आगे है पासेज डाउन द राइट साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में फिर वह पास होता है एट द इंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल वेयर इट डिवाइड्स इंटू पुर्पिंजिया फाइबर। फिर यह राइट वेंट्रिकल के इंटीरियर वॉल में पुर्पिंजिया फाइबर के रूप में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट ब्रांच का देखते हैं तो यह भी डिसेंड होता है लेफ्ट साइड ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में, फिर यह लेफ्ट वेंट्रिकल में आगे जाकर यह फिर पुर्पिंजिया फाइबर में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है और सबसे आखिरी है द पुर्पिंजिया फाइबर्स फॉर्म सब एंडोकार्डियल प्लेक्सेस, यह सब एंडोकार्डियल प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। दे आर लार्ज
pale fiber strated on their margin. Next, they usually possess double nuclei, and these generate impulses are 20 to 35 beats per minute. ठीक है, Purkinje fiber क्या करता है? सब एंडोकार्डियल प्लेक्सस का फॉर्म करता है, जो कि एक डबल न्यूक्लाई का प्रोसेस होता है, और यह 30 टू 35 बीट्स पर मिनट का पल्सेशन करता है। इमेज में देखते हैं कि किस प्रकार पोजीशन होता है। ये देखिए, ये होता है एस ए नोड, ये सल्कस टर्मिनलिस होता है। सल्कस टर्मिनलिस में जो एट्रियो केबल जंक्शन होता है, और ये यहाँ ऐसा नोट होता है, इसे पेज मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। फिर ये फिर साइनो आर्ट्रियल सॉरी साइनो वेंट्रिकुलर नोट में जाता है। ये होता है साइनो वेंट्रिकुलर नोट, वेंट्रिकल्स होता है सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोट, एट्रियम है और ये नीचे वेंट्रिकल, तो इनके जंक्शन में यहाँ ये नोट पाया जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोट। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोट नीचे डिसेंड होता है और वेंट्रिकल में फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। राइट साइड जो जा रहा है, ये देखिए, ये है राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट में जाता है वह है लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट में आगे आकर यह फिर सेप्टल वाल, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल वाल के साथ डिसेंड करता हुआ नीचे आता है, और फिर यह टर्न होकर पुर्किंजे फाइबर बनाता है। बीच में यह जाकर मॉडरेटर बैंड भी बनाता है। इस प्रकार यह वेंट्रिकल के बीच में जाकर यह मॉडरेटर बैंड बनाता है, और फिर लास्ट टाइम यह पुर्किंजे फाइबर बनाता है। क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं, तो कंडक्टिव सिस्टम के डैमेज होने से कार्डियक एरिथमियास की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्डियक एरिथमिया का मतलब ये होता है कि जो पल्सेसिंग है, जो इम्पल्स जो जनरेट होता है, उसके कारण हार्ट में एरिथमियास उत्पन्न होता है। मतलब कि उसका जो बीटिंग सिस्टम है वो इरेगुलर हो जाता है। एक रिदम होता है हार्ट बीट करने का, वो रिदम डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसे एरिथमियास कहते हैं। तो ये फिर कंडक्टिंग सिस्टम के डैमेज होने से फिर कार्डिक एरिथमियास की स्थिति उत्पन्न होती है। वैस्कुलर लीजन ऑफ हार्ट कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ एरिथमियास। यदि हार्ट में वैस्कुलर लीजन्स होते हैं तो उसके कारण भी हार्ट में अनेक प्रकार के एरिथमियास की स्थिति उत्पन्न होती है। डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्लास है ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।